वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। तो मेरे पिछले वाले ब्लॉग इस ब्लॉग के साथ कंटिन्यू रहेगा। इस तो सुबह तो हो गई है और ये देखो मामी जी ने मुझे एक इमली की जो लकड़ी होती है ना वो ला के दी है, तो इससे मैं मेरा जो वाइट वाली टीथ है मम्मी पीस रही हूँ। तो अभी ब्रश मैंने लाई नहीं, मतलब याद नहीं थी, जल्दी जल्दी हम चले आए। तो माँ और मामी सब गए हैं गांव घूमने, किस किस के घर मुझे नहीं पता, आई थिंक उनके घर, मतलब पड़ोसी जो पीछे रहता है उनके घर गए हैं। तो अभी तो माँ और मामी जी यहाँ पर नहीं है घर पे, मतलब गए हैं। तो मैंने सोचा चलो ब्रश व्रश करके फ्रेश हो के फिर निकलने की तैयारी करेंगे। तो आप देख सकते हो जो क्या बोलते हैं उसे, गुआवा की जो पेड़ होती है ना उसका एक टुकड़ा मुझे लाकर दिए थे, तो उससे मैं ब्रश कर चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे ब्रश, मतलब घर से इतने जल्दबाजी में हम निकले थे तो ब्रश मैंने रखा था बैग के पास, लेकिन बैग मैं पैकिंग करना भूल गई, तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ रहा है बहुत ही मुश्किल से। चलो कोई बात नहीं, एक दिन तो एडजस्ट हो ही जाती है। तो ऐसे करके ब्रश हमने कर लिया और फिर थोड़ा साबुन फाबुन मुंह पे मार देते हैं। सोकर उठी हूँ तो अभी तक मुंह पे कोई, मतलब कुछ लगा ही नहीं हूँ, तो साबुन वगैरह लगा कर अच्छी तरह से घिस 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 के, मतलब फेस को धो देनी है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मेरा स्किन टोन डार्क है। तो चलो साबुन तो मैं लगा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हो ना तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी मतलब शेयर करना, मैं बोल रही थी शेयर भी मत करना, नहीं ये मतलब मुँह से ऐसे ही निकल गया, मेरे मुँह तो निकल गया। प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर देना। यहाँ पर लाइट नहीं है, मतलब इस घर में लाइट नहीं है, वहाँ पर लाइट है। हम लोग एक दिन के लिए आए हैं तो इसलिए लाइट वगैरह का इंतज़ाम नहीं किया मैंने। जैसे आप लोगों को बताया था कि हम घर से ये जो चार्जिंग लाइट होता है ना, ऐसे लगता है, मैं दिखा देती हूँ, चल के नहीं रही है ये, तो हम ऐसे लेके आए थे। तो ये हमें रात को बहुत ही मतलब हेल्प किया। तो गाइस हम ना यहाँ पर आए थे तो सारा ना सब्जी जो लेके आए थे, चावल जो जो चाहिए हमको कुकिंग करने के लिए, हम सब लाए थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ना मतलब हर एक घर में हमें बुला रहे हैं खाने के लिए, तो इसीलिए हमने सोचा कि नहीं यार यहाँ कुकिंग करेंगे तो उनको बुरा लगेगी, राइट। मतलब हर कोई बुला रहे हैं हमको, हमारे घर में खाना, हमारे घर में खाना, क्या खाओगे बताओ, क्या करें हम आप लोगों के लिए। तो फिर मैंने, हमने डिसाइड किया कि नहीं हम कुकिंग नहीं करेंगे। देख सकते हो यहाँ पर सारे करी वगैरह है और चावल, मतलब सारे मसाले ऑयल सब लाए थे, तो ये अब फिर रिटर्न घर जाएंगे, नहीं तो किसी को दे देंगे। तो अभी रात को एक मामा जी के घर खाए थे और अभी ना मतलब एक दीदी के घर, जो कल हम जाकर सोने वाले थे, लेकिन यहाँ पर मतलब ब्लैंकेट वगैरह सब निकाल कर यहाँ यहीं पर सो गए थे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर थी वो दीदी के घर, तो हम वहाँ नहीं जाए क्योंकि बहुत आलस लग रही थी और बहुत सर्दी, मतलब सर्दी का मौसम है, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो जिस वजह से हम वहाँ पर नहीं जा पाए। तो अभी सुबह सुबह हम घर जाने वाले थे, तो आज बुधवार है, जो मेरी मामी जी है वो मतलब नॉन वेज नहीं खाते, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तो फिर हमने सोचा था कि यहाँ कुछ कुकिंग वगैरह कर देंगे सादा और फिर खाकर घर चले जाएंगे। तो फिर मतलब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर खाना, और भी दो आए थे मेरे भाभी जी हैं यहाँ के जो पड़ोस के, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूँ, वो भाई आए थे तुम्हारे लिए कुकिंग करूँ, तो मैंने कहा नहीं, वो जो दीदी थे उनके भी दीदी होते हैं, तो मैंने कहा उनके घर में खाने के लिए वो कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ मत करो। तो अभी हम जाने वाले हैं उनके घर और जाकर खाने वाले हैं। माँ और मामी जी
निकल गए, वो तो घूम रहे मुझे इतना मतलब पसंद नहीं है। सबके घर में जाओ, बैठो, कैसे हो, समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ। तो দিদিমা মাসিমা কেউ খায় না, দিদিমা আমরা যাচ্ছি বাড়ি। হ্যাঁ ও প্রসাদ খাইছি কেমন? আর ওই যে প্রসাদ এক গাদা ওই যে না বোরা লেবু গাছ, লেমন ট্রি, কি আমরা গাছ কই গে কই আমরা গাছ কেটে ফেলাইছি ছোট আছে। ভাই ডাব দুটো পাড়ে নেবা, বৌদি বাড়তেছে বা পারতাম, ওই সামনে বস্তা রয়েছে ওই পা বাদাতে পারতেছি না আমি। চলে যা ভাই, সে একা একা से नहीं हो पाएगा। ओ मां क्या है घाट तो गाइस अब हमें मतलब घर रिटर्न जाना है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि नदी से आए थे हम, तो हम जा रहे हैं
और ये वाला ब्लॉग हम ख़त्म करेंगे यहाँ पर। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट।